उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई स्ट्राइक नहीं होती, मतलब बट कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही फिर भी आप उसको देख रहे हो, तो सोचो उस बंदे के पास में कितना टाइम होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन कैरी मिनाटीज वीडियो द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हमें जो मेन अपना मोटिव है उस चीज को नहीं छोड़ना है। जस्टिस फॉर सुशांत, ये चीज याद रखनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्टार्टिंग के अंदर वो लोगों ने बहुत ज्यादा जोश दिखाया था, बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कि हमें सुशांत को जस्ट दिलाना है, ये वो। कहीं ना कहीं वो चीज ठंडी पड़ती जा रही है। आई डोंट नो क्यों, मतलब कोई चीज नई नहीं आती है तो उसको बड़ी हाइप मिलती है, और जैसे जैसे टाइम जाता है उस बंदे की जान गई है प्लीज। और ऐसे वैसे नहीं, उसको मर्डर किया और ब्रूटली मर्डर किया है। गाइस, हमें नहीं पता उस बंदे के साथ में क्या हुआ था। प्लीज, एक लाइक उसने हमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग मूवीज दी है एक इंसानियत के नाते। प्लीज इस लड़ाई को जैसे कितनी भी लंबी चलानी हो चलाएंगे, हमें इसके अंदर सुशांत का पूरा पूरा साथ देना है। तो गाइस प्लीज, और बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बीच बीच में मिलती रहती है, और वो चीज मैं शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया सो जस्ट गो गाइस एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वॉन्ट। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन आई जस्ट पुट इट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैरी मिनाटीज वीडियो, एंड इसकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, लाइक इट्स नॉट अबाउट दिस वीडियो, इट्स अबाउट एवरी सिंगल वीडियो ऑफ कैरी मिनाटी। सो यू गाइज आर एक्चुअली सो क्रेजी, इवन एवरीबडी इज सो क्रेजी अबाउट कैरी मिनाटी। सो दिस वीडियो इज द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स, एंड वी ऑल नो की आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स कैरी मिनाटी को बहुत अच्छे से आता है। इस चीज को नेगेटिव वे में मत लेना, बट इट्स लाइक कि वो बंदा लाइक अगर कुछ बैड वर्ड भी यूज करेगा ना, उसको भी बहुत लॉजिकली और बहुत ही दिमाग से यूज करता है। मतलब जो उनके हेटर्स है वो डेफिनेटली उस चीज को बहुत अलग वे में लेके जाते हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स से टिकटॉक के टाइम पे हुआ था, और उसी टाइम पे उनके अलग अलग वर्ड्स को अलग कॉन्टेक्स्ट में लेकर लोगों ने उनके वीडियो पे स्ट्राइक मार दी थी। एंड ये अच्छे से जानते हैं कि किस चीज को कहाँ पे यूज कर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओह माय गॉड, ये तो कैसे स्माइल। हैं आप लोग? सुपर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। शब्दों की मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है, गालियों का मतलब बुराई होता है इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're gonna do it right with Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता, तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Fogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ
कॉन्टेक्स्ट समझो सालो, वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है, अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies! इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा, गंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी, ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है, इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा, इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ। इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पोर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा गूद अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजा मार सके, जो बकचोदी काट सके, वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो, इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है, और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फटगी बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादरचोद कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोद लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियाँ दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पड़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखी है। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। वो है चार वाले बैच को पांच वाले के साथ शिफ्ट कर दे। लास्ट टाइम जिस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आई थी और वो वीडियो रिमूव हो गया था, उसका रीजन डेफिनेटली यही था कि जो अब्यूज था, या नहीं अब्यूज, वो 200 वाली जो चीज वो अब्यूजिव नहीं थी। उसके अलावा जो भी जिसने भी गलत गलत कॉन्टेक्स्ट में लेकर बात को कहीं की कहीं ले जाके और उस पर स्ट्राइक लगवा दी थी, तो उस चीज की कहीं ना कहीं वो भड़ास निकली है। नॉर्मली फ्रेंड्स के बीच में गालियां वगैरह चलती है, लाइक मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं, हर कोई की नहीं, बट मैक्सिमम लोगों के साथ में यही होता है, लाइक
कैरी मिनाटी और हम ऑडियंस का एक तरह से फ्रेंड वाला रिलेशन है, तो अपनी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसी के अंदर ही वो वीडियो बनाता है। अगर किसी को नहीं पसंद आता वो डेफिनेटली उसको नहीं देखना चाहिए। मैं कैरी मिनाटी की वीडियो नहीं, मैं कोई भी वीडियो की बात कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो वो मत देखो, उस वीडियो को देखना भी और उसके बाद में उस वीडियो को बुरा भी बोलना है। तो इतने बेले लोग भी हैं दुनिया में। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है और अगर आप उसको देख रहे हो देन इट्स ओके, बट कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही फिर भी आप उसको देख रहे हो तो सोचो उस बंदे के पास में कितना टाइम होगा। बैड वर्ड्स की जो कैरी मिनाटी ने बात करी है कि भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में बात करी है कि कुछ लोग हैं जो इसको मतलब सुनेंगे भी और उसके बाद में बुरा भी कहेंगे कि छी छी ये तो बहुत गंदी चीज़ है ये है वो। और ये मैक्सिमम हमारे पुराने टाइम के लोग, जिस टाइम पे दूरदर्शन नहीं चलता था वो टाइम के लोग ये बोल, इस चीज़ के भी कैरी मिनाटी ने ये बताया कि उस टाइम पे मैगजीन्स चलती थी और उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चलती ही थी और लोग बाग आराम से उन चीज़ों को एंजॉय करते थे जो कि अब यूट्यूब पे। हाँ, और वो चीज़ जहाँ पे कैरी मिनाटी ने बोला कि भाई सारी चीज़ पॉलिसीज वगैरह पूरा जो डिस्क्लेमर, जो लास्ट में जो डिस्क्लेमर डालते हैं उसके अंदर सब कुछ सारी चीज़ें होती है, उसके अंदर पॉलिसीज के बारे में बात की जाती है, तो YouTube पे ऐसे ऐसे वीडियोस जो कि अभी कैरी मिनाटी ने बताया उन लोगों के ऊपर मतलब उनके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई स्ट्राइक नहीं होती। मतलब लोग आराम से गंदे संदे वीडियो डाल रहे हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग आराम से उसको देख रहे हैं, इवन उसके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, कोई उसको मतलब हटाने के लिए कोई उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं डाल रहा। मतलब वहाँ पॉलिसी का कुछ वो नहीं हो रहा तो यूट्यूब को वाले वीडियोज भी तो बैन करनी चाहिए ना। तो मैं पूरी तरीके से ये नहीं बोलूंगी कि लाइक हाँ इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि अब्यूज़ करना ये सब चीज़ें अच्छी बात है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट जहाँ पे उससे भी बुरी चीज़ें हैं तो आई थिंक वो चीज़ अगर वो स्टॉप कर दो तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो कैरी मिनाटी का वीडियो है एंड फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन जो वो गुस्सा वाली चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही थी, तो वो चीज़ आई होप जितना भी वो गुस्सा होगा वो सारे इस चीज़ में निकल गया होगा। नाउ ही इज अ हैप्पी गाय। सो या आई होप यू लाइक माई वीडियो, क्योंकि यू गाइज एक्चुअली लव कैरी मिनाटी एंड यू वॉन्ट मी टू रिएक्ट ऑन दिस वीडियो। सो या, सो या दैट्स इट टुडे एंड आई मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज 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 इट्स माई रिक्वेस्ट गाइज, सुशांत सिंह की जस्टिस के लिए लड़ना है, ठीक है? सो बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो जो भी चीज़ आपको दिख रही है कि गलत है, प्लीज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।